और देख लो दिल्ली का सड़क देख लो आप, ट्रैफिक जो है बिल्कुल इधर कम होता है क्योंकि एम्बेसी एरिया इधर। देखिए यहाँ पे पूरे देश भर से, इंडिया भर से सारे क्रिएटर्स जो आए हैं पासेस के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ओ, मेरे पास वो डीजीआई रह गया था, गोप्रो टाइप का वो पोर्टेबल कैमरा आता, तो उसके लिए मेरे को वापस जाना पड़ा। हेडफोन था उसके लिए भी वापस जाना पड़ा भाई, ये सब अलाउ नहीं होता जहाँ पे भी पीएम का प्रोग्राम होता है। The first category, the award for the new India champion. The award goes to. उसको पता होगा कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और धमाकेदार ब्लॉग में। स्वागत है आप सभी का देश की राजधानी नई दिल्ली से। आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम फ्लाइट से कैसे दिल्ली आए थे और फ्लाइट के सारा अरेंजमेंट आईआरसीटीसी की तरफ से किया गया था। आपको पता है कि हम आए यहाँ पे नेशनल क्रिएटिव अवार्ड्स के लिए। आप मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं इसी बस से हम पहुंचेंगे भारत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान, जो कि दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। तो चलिए वहीं पे चलेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए बस आ चुकी है और सारे हमारे यहाँ पे जितने भी ऑल इंडिया के क्रिएटर्स आए हैं सारे इस बस में ऑनबोर्ड होंगे और पहुंचेंगे वहाँ पे हमारे भारत मंडपम पे। चलिए सब कुछ आपको वहीं से अपडेट करते हैं, बस ब्लॉग में बने रहिए। निकल चुके हैं, हम पहुंचने वाले हैं भारत मंडपम। सुबह के 8 बज रहे हैं और देख लो दिल्ली का सड़क देख लो आप, ट्रैफिक जो है बिल्कुल इधर कम होता है क्योंकि एम्बेसी एरिया इधर। बाकी देख लो बस में ऑन बोर्ड सारे इंडिया के जितने भी क्रिएटर्स आए थे सारे ऑन बोर्ड हैं अभी फिलहाल और बढ़ रहे हैं बस भारत मंडपम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये भाई हमारी कम्युनिटी के ही है, रेल ब्लॉगर ही है हमारे भाई। भाई अपने चैनल का नाम भी बता दो। आदित्य निषाद। आदित्य भाई हमारे कम्युनिटी के ही हैं, रेल ब्लॉगर ही। बाकी सारे क्रिएटर्स जो भी इंडिया से आए हुए थे सारे ऑन बोर्ड हैं फिलहाल, बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में हम बस पहुंचने वाले हैं सर भारत मंडपम। बाकी भाई देख लो दिल्ली के सड़क पे भी लगा रखा है, रोडों पे लगा रखा है नेशनल क्रिएटिव अवार्ड्स का। अच्छा यहाँ पे भी तो दोस्तों देख सकते हो सामने है हमारा भारत मंडपम। इस बस ने हमें पहुंचाया भारत मंडपम पे और आप देखिए यहाँ पे पूरे देश भर से, इंडिया भर से सारे क्रिएटर्स जो आए हैं पासेस के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो भाई चलेंगे हम भी और लगेंगे लाइन में और देखेंगे अगर कोई हमारे टीम से अगर मेंबर आ जाए, हमारे टीम से अगर कोई मेंबर मिले, जैसे रेल कम्युनिटी का कोई बंदा मिले अगर हमारे जान पहचान का जिसको हम जानते हैं या फिर वो हमें जानता हो तो कोशिश करेंगे हम उनके साथ ही लग के अपना पास का जो है वो जल्दी से करा ले भाई। बाकी चलो चेक कर लेते हैं भाई एक बार, सारे बंदे हमारे देखो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं ऑल इन ऑल। भाई इधर तो अलग ही सीन चल रहा है भाई, पासेस के लिए अलग ही सीन चल रहा है, कोई भी जो भी है ना फैसिलिटीज जो देख रहे हो आप बहुत ढीला ही है यहाँ पे, बंदे दो दो घंटे से लाइन में खड़े हैं यहाँ पे और पासेस के लिए देख लो भाई, ये देख लो भाई अलग ही सीन चल रहा है भाई यहाँ पे, तो कुछ क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कब तक पासेस हाथ में मिलेंगी, नॉट श्योर बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कब से लगे हो लाइन में सर भाई, कब से लगे हो लाइन में? 2 घंटे से सर लाइन में लगा हूँ, पास नहीं मिल रहा। शशांक भाई आप कब से लगे हो? सोने को नहीं मिला, सोने को नहीं मिला। और ये तो मेरे साथ ही था आदित्य भाई, पास मिल जाए मैं वही चाह रहा हूँ। भाई देख लो यहाँ पे हमारे देश के सबसे सुपरस्टार आ चुके हैं भाई यहाँ पे, देख लो भाई हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार आ चुके हैं हमारे नजरों के सामने, देख लो भाई पहचानते हो ना इनको आप, देख लो भाई भाई सैल्यूट है भाई, ये पहुंच चुके हैं हमारे एसपीजी कमांडो पहुंच चुके हैं सारे भाई, पास मिल गया हमको भाई नेशनल क्रिएटर अवार्ड राहुल कुमार मिश्रा। और देखो सामने अपना भारत मंडपम 22 गेट से एंट्री करेंगे क्योंकि एंट्री भी अब क्लोज होने वाली है भाई। बाकी हम हेलो भैया भाई बढ़ रहे हैं हम यहाँ से अब अंदर की तरफ, एंट्री करा ली भाई। वो मेरे पास वो डीजीआई रह गया था गोप्रो टाइप का वो पोर्टेबल कैमरा आता, तो उसके लिए मेरे को वापस जाना पड़ा। हेडफोन था उसके लिए भी वापस जाना पड़ा भाई, ये सब अलाउ नहीं होता जहाँ पे भी पीएम का प्रोग्राम होता है। आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना, मेरा पहली बार था, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा भाई बट आ चुके हैं अंदर। बाकी भाई देख लो अंदर से क्या ही शानदार लगता है हमारा ये भारत मंडपम और वहाँ पे देख लो भाई अपना मेटा बिजनेस अकाउंट। तो भाई चलेंगे अंदर, देख लो क्या ही खूबसूरत अंदर से लग रहा है भाई ये भारत मंडपम। बाकी सिक्योरिटी चेकिंग आप देख लो बहुत ही शानदार है यहाँ पे और बहुत ही तगड़ा किस्म का सिक्योरिटी का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है क्योंकि आपको पता है पीएम आने वाले हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के आने वाले हैं। बाकी पेनरी हॉल इधर है हमारा, इधर चलेंगे भाई
और G2 का सम्मेलन जो हुआ था वो भी इसी हॉल में ही हुआ था, आपको बता दें। बाकी देख लो आप सारे यहाँ पे नेशनल क्रिएटर अवार्ड का जो है प्रोग्राम चलने वाला है कुछ देर में, ये सारे इधर भीड़ लगा हुआ है भाई। बाकी भाई देख लो ये ऐसा ही है, ऑडिटोरियम में अभी फिलहाल खाली है, दूसरे वाले ऑडिटोरियम में हम आए हैं। बढ़िया मूवी चला रहे लोग यार। और बाकी देख लो यहाँ पे मूवी देखने के लिए बैठ चुके हैं हम सारे भाई। कौन सा मूवी देखोगे भैया आप? क्रिश्टू। और भैया सौरभ, आप सत्या भाई का ब्लॉग देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ इंडियन रेलवे फैन क्लब भाई सत्या, मैं भी देखना चाहता हूँ। और संदीप भैया आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो? अच्छा अच्छा, शुभम भैया आप क्या देखना चाहते हो? ऐसी बात है, फोन पे पूछते नहीं और सबके सामने कहते नहीं। उस तरफ भी आपको इस तरह की जो भी आर्ट्स रखी हुई है, स्टैचू रखी हुई है, उधर भी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब फ्लोर पे हर जगह आपको इस तरह की आर्ट्स देखने को मिलेंगी। बाकी इधर हो गया वो कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, यहाँ पे कोई भी अगर फॉरनर विदेश आती है, फॉरनर आते हैं तो उनका सारा जो मीटिंग वोटिंग होता है इसी कॉन्फ्रेंस रूम में होता है। बाकी ऊपर का आप देखो झूमर, देखो क्या ही शानदार लग रहा है भाई। देख लो भाई, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देख लो भाई हैंडला दे बाप। बाकी देख लो इसी में होता है सारा अपना मीटिंग और कॉन्फ्रेंस जो भी फॉरनर आते हैं। अरे हम निकल रहे हैं भाई, हम निकल रहे हैं भाई। जब अवार्ड ही नहीं मिल रहा तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। बाकी यहाँ पे शिखर सम्मेलन जो मेन G20 हुआ था, इसमें हुआ था, मैं भी यहीं था। भैया भी यहीं पे थे। बाकी हम लोग का तो गवर्नमेंट कार्ड है, हम लोग को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहा है भैया? गवर्नमेंट कार्ड इसलिए अब ऊपर फुल हो चुका है, फुल हो चुका है। प्रोटोकॉल पीएम प्रोटोकॉल फॉर द इन्फ्लुएंसर ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स द ओजी द गोट हु इज मेकिंग द इंडियन ड्रीम पॉसिबल for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. तो अब स्टेज पे बुलाया गया भाई मोदी जी को। देख लो भाई आ गए हमारे मोदी जी। भाई वीर बाइसेप्स के आ गए हमारे रणवीर अलाहाबादिया। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है क्योंकि लोग मेरा फोन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी आज मोदी जी फुल मूड में है भाई, किसी को भी लपेट दे रहे हैं आज तो। शिव जी का भजन कर लो आज। जी जी जरूर। What a voice! आज टेक्निकल गुरु जी का जो आर्ट मिला नहीं, ये भी सोने का ही है भाई। देख लो सोना गोल्ड जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था, उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए
मरने वाले बहुत होते हैं। और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है। वोट देने का मतलब ये कुछ ना कुछ ग्रहण करने का अवसर होता है। ये आपका हार्दिक आभार। इधर नहीं आए हमारे पास। तो भाई ये ख़त्म हो चुका है हमारा ये आज का जो सेमिनार चल रहा था यहाँ पे नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स। बहुत सारे क्रिएटर्स को अवार्ड भी दिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपने देखा कल डिटेल्स, और टेक्निकल गुरुजी रणवीर अलाहाबादी, इन सब लोगों को अवार्ड दिया गया यहाँ पे। बाकी देख लो फिर से एक बार वही जिस तरह से स्टार्टिंग में भीड़ लगी हुई थी, अब लगेज कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे सारी भीड़ लगी हुई है। बाकी मोदी जी निकल चुके हैं यहाँ से और उनकी एनएसजी की टीम भी यहाँ से निकल चुकी है भाई। बाकी भाई देख लो यहाँ पे पूरा माहौल, सारे क्रिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हुए हैं यहाँ पे। और आपको बता दीजिए जो आज चल रहा था ना, ये आज महाशिवरात्रि के दिन हो रहा था। चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगली जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।